हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट सो द क्वेश्चन इज दैट रॉक्यूफोट चीज़ इज फॉर्म्ड बाय राइपनिंग विद डैश ए फॉर अ पर्टिकुलर फ्लेवर हेयर ए रिफर्स टू अब हमें ये बताना है कि रॉक्यूफोट चीज किस चीज़ की राइपनिंग से बनता है किसी एक पर्टिकुलर फ्लेवर के लिए ऑप्शन है ईस्ट फंगाई बैक्टीरिया एंड नन ऑफ दीज तो सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और उसमें हम ये देखेंगे कि रॉक्यूफ्रोर्ट चीज होता क्या अब हमें ये पता है कि कोई भी चीज फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ जो है वो बहुत ही ओल्डेस्ट फूड आइटम है इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स बहुत टाइम से खाया जा रहा है और बहुत टाइम से बनाया जा रहा है प्लस चीज़ की फॉर्मेशन जो होती है वो होती है पार्शियली डिग्रेडेशन से मतलब पार्शियली किसी चीज़ को स्पॉइल किया जाता है खराब किया जाता है डिग्रेड किया जाता है किसको पार्शियली डिग्रेडेशन ऑफ मिल्क एंड फैट तो मिल्क और फैट का जो पार्शियल डिग्रेडेशन होता है उससे चीज बनता है और मिल्क और फैट के साथ एक और चीज इन्वॉल्व होती है वो केसिन तो इन दोनों इन तीनों चीजों के पार्शियल डिग्रेडेशन से क्या बनता है चीज बनता है अब उसी तरह से बहुत सारे चीज होते हैं स्विस्ट चीज होता है पामसान चीज होता है मेडिसम चीज होता है तो उसी तरह से एक चीज़ होता है रॉक्यू फोर्ड चीज और किसी भी चीज को बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ और लगती है दैट इज माइक्रोब्स जो कि इनको डिग्रेड करने में हेल्प करते हैं तो इसी तरह से रॉक्यू फोर्ड चीज़ में भी माइक्रोब का यूज होता है और माइक और जो ये रोक्यूफ चीज होता है वो चीज़ आता है शीप मिल्क से तो इसके अंदर किसका मिल्क डिग्रेड किया जाता है शीप का मिल्क डिग्रेड किया जाता है प्लस इसकी खास बात यह है कि ये जो है ब्लू कलर का चीज़ होता है सो इट इज़ अ ब्लू कलर चीज प्लस ब्लू कलर का होने के साथ साथ ये ज़्यादातर साउथ फ्रांस में मिलता है या फिर वहाँ हम कह सकते हैं कि वहाँ का नेटिव है ये चीज़ ज़्यादातर वहाँ पे पाया जाता है या वहाँ से आता है और ये बनता है पेनीलियम ये यूज़ किया जाता है मतलब इस चीज को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है एक माइक्रोब का जिसका नाम होता है पेनी रॉक्यू फोटाई इस माइक्रोब का यूज करके इसको बनाया जाता है और इसीलिए हम इसके नाम से भी समझ सकते हैं कि उसे फॉर्ट चीज क्यों कहा जाता है और ये जो है ये जो माइक्रोब है ये एक पर्टिकुलर फ्लेवर प्रोवाइड करता है इस चीज को फॉर्ट चीज को अब ये पेनीसीलियम रॉक्योफर्टाई है क्या तो पेनीसीलियम रॉक्योफर्टाई एक तरह की फंगस है अब हमें पता है कि फंगस क्या होती है फंगस या फिर फंगाई भी कह सकते हैं दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे आर यूनिसेल्यूलर और दे कैन बी मल्टी सेल्यूलर मतलब एक सेल भी हो सकता है उसके अंदर दो सेल भी प्रेजेंट हो सकते हैं डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीशीज है फंगाई की प्लस दे हैव कैरेक्ट्रिस्टिक फीचर्स ऑफ हैविंग माइसीलिया या फिर हाइफे जिनको नेटवर्क ऑफ थ्रेड भी कहा जाता है जो कि न्यूट्रिशंस वगैरह ट्रैप करने में भी हेल्प करते हैं तो इन फंगस को यूज़ किया जाता है इस चीज़ को बनाने के लिए तो अब हम ऑप्शन देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन ईस्ट है तो ये गलत हो जाएगा सेकेंड फंगस है येस इट इज़ राइट क्योंकि ये एक फंगस ही है जिसका यूज़ किया जाता है तो हमें पता चल गया कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन तो होप यू अंडरस्ट ऑल द बेस्ट